राजिम के सरकारी शराब दुकान के 100 मीटर के दायरे में लंबे समय से चल रहे अवैध चखना दुकानों पर प्रशासन ने डंडा चलाते हुए सभी चखना दुकानों को हटाया। इस दौरान चखना दुकान संचालकों द्वारा अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करने का प्रयास किया गया, लेकिन अधिकारियों के सामने उनकी एक न चली। दरअसल राजिम SDM GT वाहिले के नेतृत्व में राजस्व, पुलिस और आबकारी विभाग का अमला सरकारी शराब दुकान के पास पहुंचा और आसपास के इलाकों में टपेरनुआ दुकानों में अवैध तरीके से संचालित हो रहे चखना दुकानों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए पहले तो संचालकों और ग्राहकों को दुकान से बाहर निकाला, फिर नगर पंचायत के JCB की सहायता से इन दुकानों को पूरी तरह से हटा दिया। इसके बाद चखना दुकान संचालकों को 2 टूक चेतावनी देते हुए हिदायत दी गई कि अगर इसके बाद भी दुकान संचालित करने का प्रयास किया गया तो इसे प्रशासनिक अवमानना मानते हुए कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शराब पी के लोग अपराध करते हैं और शासन स्तर पे स्थिति निर्देश है कि इस टाइप के वातावरण निर्मित न हो, गांव में अशांति न फैले, इसलिए इस टाइप के जितने भी चखना सेंटर हैं यहां बैठ बैठ के लोग दारू पी के अपराध करते हैं। कई मारपीट घटनाएं हो चुकी हैं यहां पर, थाने में इसका वो रिपोर्ट भी है। सर शांति व्यवस्था तो करना पड़ेगा। ये भी सुनने में आया है कि कुछ ऐसे प्रतिनिधि है जिनका भी चखना दुकान जिस चखने दुकान से सबके साथ तो समान व्यवहार किया जा रहा है यहाँ पर, कोई ऐसा तो नहीं किसी के शक्ल देख के अपन कोई काम कर रहे हो। प्रशासन जो है नज़र पर सबके साथ सहयोग कर रही है, पब्लिक के अच्छे के लिए है।